गुरु जी के चरणों में यह कर्ण बार बार प्रणाम करता है। जैसा कि इस ब्रह्मांड के इकलौते स्वामी भगवान श्री शिव जी हैं, और श्री गुरु जी वह भगवान श्री शिव जी को प्राप्त हो चुके हैं, और 27 दिन के समाधि के बाद उनकी कृपा से, आज्ञा से धरती पर आए हैं, और जो भी उनके भक्त हैं श्री शिव जी के, उनको सतमार्ग देने के लिए, उनके परम कल्याण के लिए धरती पर विचरण कर रहे हैं। और यह कर्ण जनवरी सन 2016 को गुरु जी का सानिध्य पाया, और जब गुरु जी से मिला तो इनके पवित्र बाणी और आचरण को देख करके बुद्धि को अनुभव हो गया कि यही सतगुरु हैं, और ये बिल्कुल विलक्षण लग रहे थे। और जैसा कि हम बहुत आश्रमों में गए हैं और गुरु का खोज किए हैं, लेकिन कहीं मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। और जब गुरु जी को देखें तो इनके आचरण और पवित्र वाणी से ही अनुभव हो गया कि यही हमें सतमार्ग दे सकते हैं। तो सन 2016 से लेकर के अभी तक 3 साल तक हमने यह अनुभव किया कि, और यह बुद्धि को अनुभव हो ही गया कि ये परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि 3 साल में इनके मूल भाव में हमने परिवर्तन नहीं देखा। जब ये हमसे मिले तो प्रेरणा दी, सारा जो है सांसारिक विषयों के विषय में अनुभव कराएं, तो प्रेरणा हुई कि भगवान का चरित्र सुने गुरु जी के द्वारा श्रीमुख से, तो सुना भी गया 2 महीने तक, लेकिन मन और बुद्धि निर्मल नहीं हुआ था, इसके कारण सही पकड़ नहीं पाया, और गुरु के साथ कपट करने के कारण जो है फिर चला गया विषयों की तरफ। लेकिन बुद्धिया स्वीकार कर ली थी, इसके कारण बार बार इधर ही आने का प्रेरणा हो रहा था। तो फिर जब उधर से माया का प्रभाव पड़ा तगड़ा, तो बुद्धि काम की, तो 1 साल के बाद मैं फिर आया गुरु के पास, तो देखा कि फिर वही भाव, जैसा पहले था वैसा अब भी, क्योंकि गुरु बहुत कृपालु हैं। अगर वो छोड़ देते हैं तो यह शरीर बिल्कुल एकदम कुआं में ही गिरा होता, और ऐसा काम मात्र श्री शिव जी के, भगवान श्री शिव जी के सच्चे भक्त ही कर सकते हैं, जो उनको प्राप्त हैं वही मात्र कर सकते हैं, क्योंकि जो बेचारा माया से लिप्त जीव फंसा हुआ है और उसकी बुद्धि फंसी हुई है और आ रहा है, तो अगर उसको छोड़ देते हैं तो फिर उसी में फंस जाएगा। लेकिन कृपालु जो गुरु होते हैं और जो भगवान को प्राप्त हुए होते हैं, वो कभी किसी को छोड़ते नहीं, भले ही वो लोग उनको छोड़ देते हैं। तो गुरु जी ने फिर वहाँ से उठाया हमें, फिर सही रास्ता दिए। तो यह बुद्धि अनुभव कर ली कि गुरु जी को सब छोड़ देते हैं और ये किसी को अभी तक नहीं छोड़े। फिर प्रेरणा हुई कि अब भगवान के ही मार्ग पे चलेंगे, अब सत्य के मार्ग पे ही चलेंगे, अब नहीं जाना है माया में। अब बार बार बुद्धि गुरु के बातों पे चलने को कहती है और गुरु जी का सानिध्य बार बार पाने को यह मन और बुद्धि कहती है। जुलाई सन 2018 से मैं मिर्जापुर जिले में
परडरी छाना थाना क्षेत्र के पथराहा गांव में रह रहा हूँ। सन 2018 जुलाई से ही, और फिर मैं गुरुजी के श्रीमुख से कहे हुए प्रभु का चरित्र श्री रामचरितमानस फिर सुना मैं मन और चित्त लगाकर। तब जा कर के अब मन स्थिर हो रहा है और गुरुजी के आशीर्वाद से, कृपा से मन काफ़ी स्थिर हो रहा है अब। तो अब अभ्यास और गुरुजी के पवित्र आचरण को देखकर, बाणी को सुन करके अभ्यास चल रहा है। तो अभ्यास करते समय कुछ प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, जो मैं गुरुजी के चरणों में आया हूँ और यह प्रश्न करूँगा, और श्रीमुख से आप आपके इसका उत्तर मिलेगा तो भ्रम दूर हो जाएगा। गुरुजी, ये मेरा प्रश्न है कि जब कोई जीव आत्मा शरीर छोड़ता है तो क्या उसे तुरंत कर्म के अनुसार दूसरा शरीर मिल जाता है? बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। जय श्री राम, जय श्री राम। आवश्यक नहीं है कि उस जीव को तुरंत ही शरीर प्राप्त हो जाए, जी क्योंकि कर्म यदि नरकीय है तो उसे काफी समय तक नरक में वास करना पड़ेगा, जी और उस कर्म का उतना प्रायश्चित जब हो जाएगा तब उसे पुनः जीव का कोई शरीर मिलेगा मिलेगा कर्म के अनुसार। जी। तो रही बात कि यदि मनुष्य तामसी राजसी या सतो गुण के अंदर ही कर्म किया है तो उसे तुरंत शरीर प्राप्त हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा कर्मानुसार, जी। लेकिन कोई ऐसा घातक कार्य किया तो उसे उस प्रकार का पहले नरक भोग करके तब वापस कोई शरीर प्राप्त होगा। आवश्यक नहीं कि उसे मनुष्य का ही शरीर प्राप्त हो, प्राप्त हो, कर्मा के अनुसार कोई जैसा उसका स्वभाव रहेगा वैसा शरीर मिलेगा। वैसा शरीर प्राप्त होगा। फिर कल्पों कल्पों में जब भगवान की कृपा होगी तो फिर उसे मनुष्य शरीर में आना होगा। यहाँ पर अच्छे से अनुभव कर ले कि तमोगुण के कर्म से अधोगति प्राप्त होती है, यानी मनुष्य के नीचे पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि, रजोगुण के कर्म से मानव शरीर मिलता है और सतोगुण के कर्म से दैव योनि प्राप्त होती है। यदि किसी जीव को पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो वह अपना अस्तित्व परमात्मा में विलीन कर देगा। जैसे वर्तमान शरीर को धरती पर लाने वाला डॉक्टर रविशंकर पांडे की जीवात्मा विलीन हो गई, जी प्रकाश चंद्र सुपकार का जीव आया वो विलीन हो गया, फिर वह जन्म मरण के चक्र से बाहर हो गए। जो अपना अस्तित्व रखना चाहेगा ब्रह्मांड में वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो ही नहीं सकता। जी अपने को मानता रहेगा तो नहीं हो सकता नहीं, जब तक अपने आप को जी। ईश्वर से आप अलग मानेंगे कि आप अलग हैं और आप भिन्न हैं ईश्वर से, जी तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा और
यदि किसी जीव किसी शरीर को प्राप्त किया तो वह सिर्फ भोग योनि होगी। मनुष्य के अलावा चाहे आसुरी योनियां हो, चाहे अधोगति की और भी योनियां हो या देवताओं की योनियां हो, सभी योनियां भोग योनि है मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य को, क्योंकि यह कर्म भूमि है। ठीक। और यहाँ पर सत्य और परोपकार दो मार्ग के द्वारा कोई भी जीव अपने जन्म को सफल बना सकता है, वो इस चक्र के बाहर जा सकता है, क्योंकि इस कर्म के लिए प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। और जब तक परमात्मा का बोध नहीं होता तब तक इस आदर्श मार्ग पर मनुष्य नहीं चलता, क्योंकि आदर्श वेद मार्ग जो कि सेवक भाव से प्रारंभ होता है, इसमें अहंता, आसक्ति, ममता और कामना, कर्म फल इच्छा, इतने का जब त्याग होगा तब जाकर के कोई जीव शरणागत भाव को प्राप्त करेगा करेगा। तो जहां तक आपका प्रश्न रहा कि तुरंत प्राप्त हो जाता है शरीर या समय लगता है, तो वह कर्म के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप नरकों की यातना के लिए कर्म किए हैं, जैसे किसी गर्भवती महिला की हत्या, या बिना किसी अपराध के जो है उसका जीवन छीन लेना जिसे मर्डर कहते हैं, या और भी जितनी जो है कर्म है जो कि पाप आत्मा को नरकों में भोगने पड़ते हैं, तो उस भोग के बाद शरीर मिलता है तब शरीर मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री